श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अगर आपके कानों में दर्द है या कानों में कोई प्रॉब्लम है या कान का कोई रोग है तो उसमें तिल या तिल के तेल का आप कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के तेल में लहसुन की कली डालकर गर्म करके उसकी बूंदे कानों में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। बहरेपन का रोग दूर करने के लिए 50 मिलीलीटर तेल के तेल में लहसुन की 5 कली डालकर आप गर्म कीजिए और छान लीजिए। इसके बाद इसकी 2-3 बूंदे कान में डालने से आपको लाभ मिलता है। अगर आपको कम सुनाई देता है, बहरापन है, तो उसके उपचार करने के लिए 25 मिलीलीटर काले तिल के तेल में लगभग 40 ग्राम लहसुन को पीसकर जलाकर तेल बना लीजिए। इसके बाद इस तेल को छानकर रोजाना 2-3 बार कान में डालने से आपको बहुत आराम मिलेगा। 40 मिलीलीटर हुलहुल के रस को 10 मिलीलीटर तिल के तेल में मिलाकर पकाएं। पकने के बाद जब बस तेल ही बाकी रह जाए तो इसे आग पर से उतारकर छान लें। इस तेल को कान में डालने से कान में से अगर आपको मवाद आ रहा है तो वो बंद हो जाएगा। अगर आपको कान के कीड़े मारने हैं तो कान के कीड़े को मारने के लिए तिल के तेल 2-3 बूंद कान में डालें, इससे आपको लाभ होगा। तिल का तेल, धतूरे का रस, सेंधा नमक, मदार के पत्ते और अफीम को कढ़ाई में डालकर पका लीजिए। जब पकने के बाद सबको जल जाए तो उसे उतारकर और छानकर एक शीशी में भर लीजिए। नीम के पत्ते और फिटकरी को पानी में डालकर पकाकर कान को इस पानी से पहले साफ कर लें। फिर बनाए हुए तेल की 5-6 बूंद रोजाना कान में डालने से कान से मवाद बहना बंद हो जाएगा, कान का दर्द और बहरापन भी से ठीक हो जाएगा। फिर 125 मिलीलीटर तिल के तेल को 50 मिलीलीटर मूली के रस में मिलाकर पका लें। जब पकने के बाद तेल ही बच जाए तो उसे छानकर शीशी में भर लीजिए। इसकी 2-3 बूंदे कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। अजाझड़ा के पंचांग, अजाझड़ा के पंचांग मतलब जड़, तना, पत्ती, फल और फूल की राख को तिल के तेल में डालकर पका लीजिए। इस तेल को कान में डालने से कान का दर्द आपका निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।